जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन शुक्ला आपके अपने चैनल अजय एजुकेशन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ, चित्रा प्रकाशन बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 5.3 तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके पूरा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आ जाइए। आज हम लोग पढ़ेंगे 5.4, एक एक क्वेश्चन का करेंगे एकदम पोस्टमार्टम। तो चलो देखेंगे बेटा 5.4 क्या कह रहा है और एक एक क्वेश्चन लगाना है बेटा, छोड़ना एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो बाबू इसमें दिया है, क्या दिया है देखना, दिया समांतर श्रेणी में पदों का चयन। प्रश्नावली कौन सा है ध्यान देना बेटा, प्रश्नावली दिया है, प्रश्नावली जो है किताब खोल लेना, 5.4 दिया है, ठीक है बेटा। क्या दिया 5.4, इसमें ध्यान देना बेटा मेरे लाल मेरे हीरो, क्या करना है आप लोगों को, समांतर श्रेणी में पदों का चयन, क्या करना है समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना है, क्या करना है पदों का चयन करना है बेटा आप लोगों को, समांतर श्रेणी में पदों का चयन करना। तो समांतर श्रेणी में जब पदों का चयन करोगे बेटा, या कहीं कहीं श्रेणी दिया रहता है, ठीक है, तो पदों का चयन करने के लिए आपको पता होना चाहिए बेटा कितने पद बोल रहा है। अगर पदों की संख्या देखना 3, 4, 5 कुछ भी दे सकता है बेटा। तो पदों की संख्या अगर 2 हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर पदों की संख्या 3 हो, क्या हो बेटा पदों की संख्या क्या हो 3 हो, अगर पद कितने हैं बेटा देख लेना, पद कितने हो 3 हो, तो 3 पद के लिए जो पदों की संख्या होगी बेटा वो क्रमशः मानेंगे हम, क्या करेंगे बेटा हमेशा मान के लगाएंगे, क्रमशः क्या करेंगे बेटा पदों की संख्या को मानेंगे। तो इसमें बेटा क्रमशः पदों की संख्या जो होगी, पहला होगा a माइनस डी, दूसरा होगा a, तीसरा होगा a प्लस डी, ये हो जाएगा बाबू पदों की संख्या। 3 पे क्रमशः पहला पद होगा a माइनस डी, दूसरा पद a होगा, तीसरा a प्लस डी हो जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन ऐसे ही अगर पदों की संख्या कितने हो बेटा 4 हो, पद कितने हो 4 हो, तब क्रमशः क्या क्या मानेंगे बेटा, तब मानेंगे a माइनस 3d, क्या मानेंगे मेरे लाल a माइनस 3d, और क्या मानेंगे बाबू, ये पहला पद होगा a माइनस डी मानेंगे, दूसरा पद क्या होगा बाबू a माइनस डी, तीसरा होगा बेटा a प्लस डी, और चौथा हो जाएगा a प्लस 3d। अगर पदों की संख्या कितनी होगी 4 होगी, कितने पद होंगे बेटा मेरे लाल 4 होंगे तब, ठीक है। इसी के साथ अगर पदों की संख्या 5 होगी बेटा तो क्या होगा, उसमें भी बढ़ जाएगा। एक चीज और ध्यान देना बाबू, इसमें जो अंतर होगा क्या होगा, सर्वांतर जो होगा बेटा मेरे लाल, इसमें कितना होगा सर्वांतर जो होगा, वो होगा केवल और केवल डी। इसमें जो होगा बेटा, इसमें जो सर्वांतर होगा ये कितना होगा, ये होगा बेटा 2d, ठीक है। अगर पदों की संख्या 5 हो, क्या हो बेटा पद कितने हो 5 हो, तब क्रमशः क्या होगा, तब हो जाएगा मेरे लाल क्या होगा कि पदों का a माइनस 2d होगा बेटा, a माइनस 2d, क्या करोगे बेटा a माइनस 2d, उसके बाद पहला पद हो गया, दूसरा होगा a माइनस डी, तीसरा होगा a, चौथा होगा a प्लस डी, और पांचवा होगा a प्लस 2d, और सर्वांतर कितना होगा बेटा इसमें भी d होगा, ठीक है। इतना उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे बाबू करोगे आगे जाके, अगर पदों की संख्या कितने हो 6 हो, पदों की संख्या कितने हो 6 हो, तब क्या मानेंगे मेरे लाल, तब भी यही मानेंगे क्रमशः क्या होगा, पहला तो हो जाएगा a माइनस 5d हो जाएगा, दूसरा क्या होगा बेटा a माइनस 3d, तीसरा होगा बेटा a माइनस d, चौथा होगा a प्लस d, पांचवा होगा a प्लस कितना बेटा 3d, और छठवां होगा a प्लस 5d, ये हो जाएगा बेटा, और सर्वांतर इसका कितना होगा 2 होगा। इतना आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, अगर इतना आया है तो बेटा इस चैप्टर का क्या करोगे गर्दा उड़ा दोगे, इस चैप्टर में आप लोगों कहीं पे कोई दिक्कत उठने का चांस ही नहीं है, बस इतना पढ़ के क्या करोगे इस चैप्टर को खत्म कर दोगे खल्लास एकदम, कोई दिक्कत नहीं है।
बस इतना ही मेन है, यही क्या है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा ये? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना अगर आपको समझ में आ गया, तीन पद है बेटा क्रम से दिया हो तो यह मानेंगे, चार हो तो इतना मानेंगे, पांच हो तो ये रहेगा, छह रहेगा तो इतना, ऐसे बेटा सात का, आठ का, नौ का, कुछ भी कर सकते हो, कितने भी पद दे आप लोग निकाल सकते हो बेहतरीन तरीके से, क्योंकि इतने चालाक तो आप लोग हो ही, मैथ को मैथ बना दो, ठीक है। आ जाओ इसको हम मिटाते हैं बेटा और चलेंगे फिर क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है और एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे बेटा, लगाएंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर एक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखना, कह रहा तीन संख्याएं एपी में हैं, यदि तीनों संख्या का योगफल 27 तथा गुणनफल 648 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्या बेटा एपी में है तो तीनों संख्या ज्ञात करना, ठीक है। माना माना तीन संख्याएं, अब बेटा तीन संख्या के लिए बताए हैं क्या मानेंगे हम लोग, क्रमशः कौन कौन से बेटा, अभी बताए हैं ए माइनस बी, ए और ए प्लस डी, ठीक है। अब बाबू यह तीन संख्या आपका हो गया ए माइनस बी, ए प्लस डी, प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रथम शर्तानुसार क्या है बेटा, का तीनों संख्या का योग, तीनों संख्या का क्या दिया मेरे लाल, योग कितना दिया है, 27 दिया है। तो तीनों संख्या क्या है बेटा, a माइनस डी, ए प्लस ए डी बराबर 27 हो जाएगा बाबू। d माइनस डी प्लस में कट जाएगा, a कितना हो जाएगा, 3a बराबर 27, a बराबर हो जाएगा 27/3, 3 9 27, a बराबर आ जाएगा बेटा 9 होगा, ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आगे क्या कहा बेटा, तीनों तथा गुणनफल 648 है, तो बेटा तीनों का गुणनफल निकाल लो, तीनों का गुणनफल कितना दिया है बेटा, 648 दिया है। तो तीन कौन कौन से है बेटा, एक तो है a माइनस डी और दूसरा है बेटा a, तीसरा है a प्लस डी बराबर 648। तो देखना a को हम पहले लिख लें बेटा, a गुणे a माइनस डी ए प्लस डी क्या होगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर दिया है मेरे लाल 648, 648 दिया ना बेटा। हाँ चलो ए का मान आया बेटा 9, तो यहां पे 9 हो जाएगा गुणे यहां पे 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 648, 9 बेटा इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में, तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 648 भागा 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू काटो, काटोगे 9 7 63, एक बचा बेटा 9 2 18, 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 72, 72 को इधर लाओ, डी स्क्वायर को उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा बेटा, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 81 माइनस 72, तो बेटा डी स्क्वायर बराबर आएगा 9, तो डी बराबर आ जाएगा कितना, 3 3 का 9, डी का मान आ गया बेटा कितना, 3, ठीक है। अब बाबू तीनों पद पूछा है, तो पहला क्या है बेटा, पहला ए माइनस डी, तो पहले के लिए ए का मान कितना बेटा, 9 है, माइनस डी कितना होगा बेटा मेरे लाल, 9 - 3 बराबर 6, दूसरा कितना है बेटा, दूसरा ए है, ए का मान खुद है 9 है तो 9 हो जाएगा, तीसरा दिया है बेटा ए प्लस डी, तीसरा क्या माने हो, ए प्लस डी, ए का मान 9, डी का मान 3 और 9 3 कितना होगा मेरे लाल, 12, तो एपी जो होगा कितना होगा, 6 9 और 12, ए क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे लाल, मेरे हीरो, पीले नहीं कहेंगे, मेरे पीले नहीं, मेरे लाल मेरे हीरो, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को, कोई दिक्कत कहीं पे अगर हो तो बिंदास बोलना मेरे लाल, क्योंकि एक एक क्वेश्चन लगाना है, दिक्कत को उड़ाना है, ठीक है, दिक्कत को बचाना नहीं है, उसको क्या करना है, दिक्कत को उड़ाना है। चलो मिटाए बेटा, नोट कर चुके आप लोग, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं मेरे बाबू,
कितने हैं, चार हैं टोटल, एक हम लोग कर चुके हैं, तीन और बचे हैं जिनको क्या करना है, लगाना है। ठीक है, आ जाओ बेटा दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा बाबू कि तीन संख्याएं एपी में हैं जिनका योगफल 21 है। ठीक है, तथा प्रथम और तृतीय संख्या का गुणनफल द्वितीय पद से 6 अधिक है। ठीक है बेटा, तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। बाबू माना, देखना, माना तीनों संख्याएं, तीनों संख्याएं क्रमशः क्या है बेटा, पहला a माइनस बी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी है। ठीक है बेटा, अब बाबू तीनों संख्या का योगफल दिया है, तीनों संख्या का क्या दिया है मेरे लाल, योगफल दिया है, कितना दिया है बेटा, 21 दिया है। ठीक है, तो तीनों संख्या का योगफल निकालोगे, a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी हो जाएगा बेटा, a प्लस डी बराबर 21, d से d खत्म, कितने a हैं बेटा, 3 a है, तो 3 a बराबर 21, a बराबर 21 बटे 3, मतलब बेटा a का मान आएगा 7। ठीक है, अब कहा है बेटा पहले प्रथम और तृतीय का गुणनफल, तो मतलब बेटा पहला प्रथम हो जाएगा गुणे तीसरे का तृतीय हो जाएगा बेटा, बराबर किसके दिया बेटा, द्वितीय पद से 6 अधिक है। क्या है बाबू, द्वितीय पद से 6 अधिक है, प्लस 6 हो गया समझ, पहले और तीसरे का गुणनफल बराबर द्वितीय पद से 6 अधिक, मतलब 6 जोड़ देंगे। पहला क्या बेटा, a माइनस डी, a माइनस डी गुणे, तीसरा क्या है बेटा, a प्लस डी, तो a प्लस डी बराबर द्वितीय पद क्या है बेटा, a, और कितना ज्यादा है, 6, a माइनस डी, a प्लस डी हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए का मान कितना बाबू, देखना ए का मान है 7 और प्लस 6, तो यहां पे रखेंगे बेटा ए का मान 7 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 7 6 13, अब बाबू 7 का स्क्वायर 49 माइनस डी स्क्वायर बराबर 13, डी स्क्वायर को उधर लेके जाओ इसको इधर लाओ, तो डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बेटा 49 माइनस 13, तो डी स्क्वायर बराबर बचेगा बेटा कितना, 36 बच जाएगा। ठीक है, 36 बच जाएगा, तो डी का मान कितना आएगा बाबू, डी का मान आएगा 6 आएगा। इतना कर लिया आप लोग, अब बाबू तीनों पद बताना है, तो प्रथम पद के लिए क्या होगा बेटा, ए माइनस डी दिया है, ए का मान कितना बेटा, 7 है, 7, डी का मान 6 है, मतलब बेटा 1। दूसरा पद क्या है बाबू, दूसरा है ए है, ए का मान कितना है, 7 है, हो जाएगा, तीसरा है मेरे लाल a प्लस डी, ए का मान 7, डी का मान 6, 7 6 13, तो एपी के जो तीनों पद होंगे बेटा मेरे लाल मेरे हीरो कितना होंगे, 1 7 और 13, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको भी नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्योंकि उसको भी लगाना है। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो चलो इसको नोट कर लो। इसको मिटाएं बेटा, आ जाओ चलें तीसरे नंबर पे, और उसको भी क्या करना है, लगाना है, छोड़ना एक को भी नहीं है। तीसरा नंबर क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि चार संख्या एपी में है, यदि संख्याओं का योगफल 50 है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है। ठीक है बेटा, तो संख्या ज्ञात कीजिए, माना, माना लिखना बेटा, माना चार संख्या या चार संख्याएं क्रमशः, अभी बताएं बेटा चार रहेगा तो क्या क्या मानेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d,
ए प्लस डी और क्या बेटा ए प्लस थ्री डी, ये चारों संख्या आप लोगों के हो गए, ठीक है, आप लोगों के नहीं इस समांतर श्रेणी के, ठीक है, इतना समझ में आया बाबू। अब कहा है इन चारों का योगफल 50 है, तो बेटा चारों का क्या दिया है योगफल कितना है मेरे लाल 50 है, तो चार कितने कौन कौन से बेटा a माइनस थ्री डी और प्लस a माइनस डी है, फिर प्लस a प्लस डी है, फिर प्लस बेटा a प्लस थ्री डी बराबर हो जाएगा 50। अब देखना बेटा मेरे लाल माइनस थ्री डी से प्लस थ्री डी, माइनस डी से प्लस डी, कैंसिल a a a a कितना हो जाएगा 4a बराबर 50, a बराबर 50 बटे 4, तो काटोगे बेटा 25 बटे 2 हो जाएगा, a का मान 25 बटे 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या कह रहा, कह रहा सबसे बड़ी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या का 4 गुना है, तो बाबू सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, और इधर क्या होगा बेटा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा मेरे लाल। अब बताना बाबू कहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 गुना, तो 4 गुना कर दिए, सबसे बड़ी बेटा लास्ट वाली यही है a प्लस थ्री डी, तो कितना हो जाएगा a प्लस थ्री डी बराबर 4 गुणे सबसे छोटी संख्या क्या है बेटा a माइनस थ्री डी, इतना कर लोगे बेटा आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलो अब बाबू यहां पे आ जाओ, a प्लस थ्री डी रहने देना, a प्लस थ्री डी बराबर 4a माइनस 12d हो जाएगा, 4a माइनस 12d। अब बाबू a वाले को एक साथ d वाले को एक साथ लाओ, 12d को इधर लाओगे 12 और 3 15d हो जाएगा, और 4a प्लस में 1a माइनस में होगा बेटा, 4 में से 1 गया 3a, तो 3a बराबर 15, या तो a का मान रख देना बेटा 15 क्या है बेटा d है, 3 से काट दो 3 पचे 15, तो 5d बराबर a हो जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बाबू a का मान रखोगे, a का मान यहां पे मान लेना समीकरण नंबर 1, समीकरण 1 से a का मान क्या करने पर मेरे लाल रखने पर रखोगे जब, तो 5d बराबर a का मान 25 बटे 2, काट दो 25, तो d बराबर आ गया बेटा 5 बटे 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, कर लोगे। अब बाबू मान निकाल दो, कितने हैं 4 हैं, तो पहला है बेटा पहला है a माइनस 3d, a का मान कितना बेटा 25 बटे 2 और d का मान 3 गुणे 5 बटे 2, हो जाएगा बेटा 25 बटे 2 माइनस 5 तीन 15 बटे 2, हर बराबर है अंश 25 में से 15 जाएगा बेटा आएगा 10 बटे 2 बराबर 5, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा निकालोगे बाबू a माइनस डी, तो हो जाएगा a का मान कितना है 25 बटे 2 माइनस 5 बटे 2, हर बराबर अंश घट जाएगा 20 बटे 2 बराबर आएगा बेटा 10, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है 20 बटे 2, तो कितना आएगा बाबू 20 बटे 2 बराबर 10, ठीक है, ऊपर का दिखा है कि नहीं दिख रहा है, ऊपर का भी चलो हो जाएगा उतना, दूसरा हो गया बेटा 10, तीसरा निकाल ले रहे हैं यहां पे, तीसरा कितना दिया है बेटा a प्लस डी है बेटा, तो a का मान 25 बटे 2 प्लस d का मान बेटा 5 बटे 2, 25 5 30 बटे 2 मतलब 15 हो जाएगा, ठीक है। अब बाबू ऐसे जब चौथा निकालोगे तो कितना होगा a प्लस थ्री डी, ए का मान 25 बटे 2 प्लस 3d 3 गुणे 5 बटे 2, तो 25 बटे 2 और प्लस 5 15 बटे 2, 15 25 40, 40 बटे 2 मतलब बेटा कितना होगा 20 हो जाएगा, कितना होगा 20 होगा, ap जो निकलेगा बेटा ap जो होगा क्या होगा, 1 हो जाएगा 5 फिर 10 फिर 15 फिर 20, a हो जाएगा बेटा इसका आंसर, आप लोग नोट करो इसको, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, तो चलो लगा लो इसको भी, फिर चलते हैं। एक क्वेश्चन और इसमें बचा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिटाए बेटा इसको, देखते हैं चार नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगा ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर चार कह रहा है बेटा कि कहां गया, एक चतुर्भुज के कोण एपी में जिनका सर्वांतर बेटा कितना है, 10 है। सर्वांतर दिया है बेटा, डी दिया है 10 डिग्री। ठीक है, कोण है और सर्वांतर दिया है 10 डिग्री। चारों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, एक चतुर्भुज है, मान लिया समझने के लिए बेटा यह एक क्या है, चतुर्भुज है। ठीक है, और इसके कोण, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सुखा। ठीक है, क्या मानना है इसको, ए है, बी है, सी है और डी है ना। इसको ए मानना, इसको ए प्लस डी, इसको ए प्लस टू डी, इसको बेटा ए प्लस थ्री डी कर देना, हो जाएगा। क्या मानेंगे बेटा, ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी। अब बाबू क्या करोगे, जोड़ दो ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी और ए प्लस थ्री डी, तो बराबर कितना होगा बेटा, 360 हो जाएगा। लिख देना बेटा, चतुर्भुज के चारों अंतः कोण। ठीक है, अब बाबू कितने ए हैं, चार ए हैं, तो चार ए हो जाएगा प्लस एक तीन तीन छह डी बराबर 360। दो कॉमन होगा तो दो कॉमन लोगे बेटा, दो ए प्लस तीन डी बराबर 360, इससे काटोगे बेटा 180, तो दो ए प्लस तीन डी बराबर 180। बाबू डी का मान 10 है तो रख देना, दो ए प्लस क्या है, प्लस तीन गुणे 10 बराबर 180, तो तीन दहाई 30, दो ए प्लस 30 बराबर 180, तो दो ए बराबर 180 माइनस 30, तो दो ए बराबर बेटा कितना आएगा, 150। ए बराबर निकाल लो, 150 बटे 2 काटोगे बेटा 75, ए बराबर आएगा 75। ठीक है, पहला कोण हो जाएगा बेटा, पहला कोण होगा ए के बराबर है 75 डिग्री। ठीक है, दूसरा कोण होगा बेटा ए प्लस डी, तो 75 प्लस 10 डी, 10 हाँ 75 प्लस 10 मतलब बेटा 85। ठीक है, तीसरा कोण क्या होगा मेरे लाल, ए प्लस टू डी, ए का मान 75 प्लस 2 गुणे 10, तो 75 प्लस 20। ठीक है बेटा, तो हो जाएगा 95। तीसरा हो गया बेटा चौथा, ए प्लस थ्री डी, तो 75 प्लस 3 गुणे 10, तो कितना होगा 75 प्लस 30, तो 105 डिग्री हो जाएगा बेटा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को एक चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया खत्म। आप लोगों से जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। फिर आप लोगों से मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।